राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया, अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले मनोनीत पीएम मोदी। नेपाल के पीएम और श्रीलंका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, दोनों शपथ वाले दिन ही आएंगे। भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, निमंत्रण किया स्वीकार। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद तो सरकार बनाने की कवायद तेज। जेपी नड्डा के घर पर चली देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली मीटिंग, एक एक कर एनडीए के सभी दलों के नेताओं से हुई मुलाकात। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अजीत पवार, एचडी कुमार स्वामी और जयंत चौधरी पहुंचे। मंत्रिमंडल पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक जेडीए, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक एक मंत्रिपद, आरएलडी और अपना दल को भी एक एक मंत्रिपद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री को दिया जा सकता है पद। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायलु बोले केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग राज्य के लिए है। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए, राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव, नीतीश नायडू समेत सभी दलों ने किया समर्थन। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा मुझे लगा इस बार ईवीएम की अर्थी निकालेगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हम विजय को पहचाना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश रच रहा इतिहास, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, झुककर किया प्रणाम, मोदी ने थपथपाई पीठ। जालौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बोले किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा, स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक, पार्टी ने अपने नेता ही चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है, बोले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी, घर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस में आज चलेगा बैठकों का दौर, सुबह 11 बजे अशोका होटल में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग, नवनिर्वाचित सांसदों के साथ राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे मौजूद। पार्टी से अलग होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में मेरे बारे में अफवाह फैला रहे लोग, CWC की बैठक में जा रहा हूं, जिसे मिलना हो आ जाए। मुंबई के कलानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए पोस्टर, तीसरे कार्यकाल के लिए दी गई बधाई। मुंबई में आज बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे, केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम 4 बजे बुलाई शिवसेना विधायकों की बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक, हार के कारणों की समीक्षा और आने वाले दिनों का तैयार होगा रोडमैप। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक, सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में होंगे शामिल। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मुहिबुल्ला नदवी बोले चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती। घोसी से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय ने कहा मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद किया। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत विपक्ष सतर्क था इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए इस बार विपक्ष मजबूत होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। यूपी के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले अम्बेडकर और कांशीराम के सपने को पूरा करूंगा। नीट परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नाराजगी, आज HRD मंत्रालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। नीट रिजल्ट में धांधली पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। सीएम केजरीवाल की जमानत पर 14 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, शुक्रवार को टली सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ाई, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला।
कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर केस दर्ज धारा 323 और 341 लगाए गए। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को हुई 7 साल की सजा, महिला की झोपड़ी चलाने का है मामला। महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटक को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 5 दिन हो सकती है भारी बारिश। नोएडा के सेक्टर 113 में कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही खुशी से झूम उठी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं 58 साल की सुनीता। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर, 651 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंचा भंडार। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, आरबीआई ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान जताया। टी20 विश्व कप में कनाडा की पहली जीत, आयरलैंड को 12 रनों से हराया, टूर्नामेंट में लगातार आयरलैंड की दूसरी हार। टी20 विश्व कप में आज सुपर सैटरडे का मुकाबला, आज खेले जाएंगे 4 मैच, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम पहले मैच में आमने सामने।